Hello and welcome to YouTube channel Tech with Vishal. If you are now on this channel, then please subscribe this and hit the notification bell to get technical videos from this channel. So guys, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का Tech with Vishal YouTube channel में आज की इस नई वीडियो में. So guys, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन पेमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना. डिजिटल इंडिया हो गया है ना. ऑनलाइन मतलब पेमेंट बहुत ज्यादा हो रही है. हम लोग यूज भी करते हैं फोन पे, गूगल पे है ना, पेटीएम. अब व्हाट्सएप जो है वो भी, उसने भी अपना पेमेंट ऑप्शन लॉन्च कर दिया है ना. तो हम व्हाट्सएप से भी पे कर सकते हैं, ठीक है. तो क्या व्हाट्सएप से कोई ब्लाइंड एक्सेसिबल तरीके से पे कर सकता है अपने किसी को मनी, ठीक है. और व्हाट्सएप में कैसे अपनी यूपीआई अकाउंट नंबर कैसे ऐड करना है ये भी आपको बताया है, ठीक है, आज के इस वीडियो में. और वीडियो लेके आए हैं मोहित भाई, लेकिन मोहित भाई इंट्रो नहीं बना पाए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप इंट्रो बना दो और जो है आगे की जानकारी वो मतलब आपको देंगे. वीडियो उन्होंने वीडियो बना दिया, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ठीक है, और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, है ना. और जैसा कि आपको पता है कि व्हाट्सएप जो कैशबैक भी दे रहा है, इसके लिए ब्लाइंड टेक पास जिन्हें एक वीडियो बनाई थी, है ना. तो हम सिंपली ये जानेंगे कि व्हाट्सएप से पे कैसे करना है किसी को मनी, ये हमने बताया है ना. और बीच बीच में क्या बोलते हैं, कुछ प्राइवेसी होती है, तो वो चीजें हमने नहीं भी दिखाई है ना. तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा. चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए. मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं टेक विद विशाल यूट्यूब चैनल. चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर जनरल कॉन्टेंट मिलता है और मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस नई इंटरेस्टिंग वीडियो को. और हाँ, कम्युनिटी टैब को जरूर चेक कीजिएगा. कम्युनिटी टैब में मैंने एक पोस्ट डाला है, उस पोस्ट पर जरूर वोट कीजिएगा, ठीक है. तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को. तो चलते हैं व्हाट्सएप में और देखते हैं कैसे आपको किसी को पेमेंट भेजना है. अगर आप चाहते आप किसी चैट में भी जाके भेज सकते हैं, लेकिन आपको फिर चैट ढूंढनी, मतलब चैट में जाके आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. वरना आप जहाँ से मैं आपको बताऊँगा वहाँ से डायरेक्ट सभी कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं. अगर आपको UPI फिर स्कैन UPI की और स्कैन करना है तो आपको वहीं से पेमेंट करना पड़ेगा. देखते हैं, चलिए व्हाट्सएप में चलते हैं, यानी कि 3 dots यानी कि मोर ऑप्शन पे चलते हैं. पेमेंट्स अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम, तो अगर आपने पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया होगा तो आपको वो बोलेगा कि आप मतलब क्या वो कर रहे हैं, यानी कि बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोलेगा. पेमेंट में क्लिक करते हैं, फिर आपकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी किस किस को आपने पेमेंट भेजा है. यहाँ पे आपके आ गए नाम आ जाएंगे मोर ऑप्शन में, बस यही है. और आगे मेरा नाम वगैरह है. अब बॉटम राइट कॉर्नर पे यहाँ पे आपका वॉइस मैसेज है, सेंड बटन आता है व्हाट्सएप पे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है यानी कि वहाँ पे तो नहीं, यहाँ से थोड़ा इधर बैक बटन के थोड़ा ऊपर न्यू पेमेंट, ओके, सर्च सेंड टू UPI ID, स्कैन ए UPQR कोड, स्कैन ए UPQR कोड. यहाँ पे फिर आगे आपके सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनमें से आप किसी को भेज सकते हैं. मुझे UPI को सेंड करना है तो यहाँ पे मैं UPI ID करूँगा. गाइस कुछ मिनट के लिए मैं हाइड, मतलब पहले आप हमें UPI डालता हूँ. अब हमें डाल दें, ठीक है. यहाँ पे वेरीफाई बटन पर क्लिक करता हूँ. यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है,
मतलब मैसेज वगैरह चेक कर सेलेक्टेड पे रिक्वेस्ट में भी बेसिकली यही होता है, जैसे आप कितने रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके पास रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, जिससे आप रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप हमारा बैंक फेडरल बैंक है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं होगा, ये नेक्स्ट है, ये हेडिंग जैसा लग रहा है अभी, ठीक है। नेक्स्ट के बाद शून्य यानी कि जीरो, तो आप यहाँ से जैसे गिनती लिखते हैं ना 1 0 10 हो गया 2 0 20 ऐसे आपको अमाउंट लिखना है। मैं 2 लिखता हूँ।